बुंदेलखंड के किसान भाई गिरीश कुमार, आज अपन जब भी आते हैं मतंगेश्वर मंदिर तो यहाँ पर किसी भी महात्मा का नाम आता है भारत में तो झाड़ू बाबा का नाम सबसे ऊपर आता है। भक्तों में सबसे श्रेष्ठ नाम इनका भी लिया जाता है। इन्होंने मतंगेश्वर महादेव मंदिर की बहुत बड़ी सेवा की, कई बहुत सारी कहानियाँ हैं। देखिए आप, मंदिर के बाहर इनकी मूर्ति विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि जब तक मतंगेश्वर मंदिर दर्शन करने आए वो इनके दर्शन ना करें तो आस्था अधूरी मानी जाती है। देखिए ये लिखा हुआ है मतंग गुना। देखिए आप, इनकी यहाँ पर कुटी बनी हुई है। थोड़ी सा चलते हैं अपन तो यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। यहाँ पर देखिए आप, आस्था का केंद्र है, यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए बगल में गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। खजुराहो में मंदिर ही मंदिर, उनमें से एक देखिए आप मतंगेश्वर मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे ऊंचा मंदिर है। देखिए आप, देख लीजिए कुटी बनी हुई है, मंदिर से लगी हुई है, सेवा की इन्होंने भगवान महादेव की। देखिए आप, भक्तों में इनका नाम भी सुमार है, देख सकते हैं आप। ये साक्षात झाड़ू बाबा, गुना बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ है यहाँ पर। देखिए आप, इसी को घूना कहते हैं। देखिए आप, ये बाबा जी यहाँ पर देखिए आप पूजा पाठ किया करते थे। देखिए आप, शंकर जी का त्रिशूल बना हुआ है। देखिए आप, घंटी लगी हुई है। बाकी पर्चा यहाँ के स्थानीय लोगों से अपन लेते हैं। जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम साहब सिंह है। अच्छा जी, बाबा जी कौन हैं? ये बाबा जी मतलब जो है पदम बाबा के नाम से पुकारे जाते हैं। दूसरा नाम इनका झाड़ू बाबा, झाड़ू से ज़्यादा प्रेम रखते थे, झाड़ू का ज़्यादा महत्व था इनके लिए और जनता इनके झाड़ू बाबा के नाम से ही जानती है। और मतलब अब झाड़ू से क्यों जानती है कि झाड़ू में ऐसे कुछ उनके मंत्र या कुछ उनका वो था, प्रभाव था कि अगर किसी को उन्हें रोग धोग वो भी लगा हो, उनको अगर उन्होंने झाड़ लिया हो दो चार झाड़ू मजे मजे ऊपर डाल दी तो उनका रोग धोग दूर हो जाता था, ऐसे एक कथा कही जाती है उनके संबंध में। और इसलिए वो प्रसिद्ध है झाड़ू बाबा। आज भी मतलब जो है उनकी इतनी प्रभुता है, इतनी प्रभुता है कि जो भगवान की पूजा होती है उससे बढ़ के कहीं एक संत की पूजा होती है, क्योंकि ये अवधूता गति में पहुंच चुके थे। संत थे और ऐसे संत थे कि अवधूता गति, अवधूता गति उसे कहते हैं जिनको अपने शरीर की शुद्ध नहीं होती है, कोई शरीर की शुद्ध नहीं होती कि हम नग्न में बैठे हैं, क्या बैठे हैं, भूख लगी लगी कि नहीं लगी, भूख लगी कि नहीं लगी, इस प्रकार से जो है वो अवधूता गति में पहुँच चुके थे। और जनता उन्होंने बहुत मतलब मानती रही भगवान के स्वरूप की तरह माना है। और संत बड़ा होता ही है, संत सती सूरमा, ये तीन ही धरती के बड़े बड़े महान हैं जिनके बदल सारी धरती जुम्मी, तो वो उन्हीं संतों में से ये संत हैं, क्योंकि आज भी उनकी महत्ता इतनी है कि समझो कि आज शाम को 8 बजे आरती होती है तो कम से 50 आदमी से कम यहाँ नहीं होता। जो शंकर जी की आरती होती है, आरती के बाद आपकी आरती होती है, तो हाँ सभी लोग वहाँ से उतर करके आरती करते हैं। यानी जो भगवान की पूजा होती है वही संत जी की पूजा होती है। इस प्रकार से हमारे झाड़ू बाबा इस क्षेत्र की एक महान विभूति में रहे और भगवान की तरह उनकी पूजा होती है। और आज भी उनकी कोई गुणान बाद गाए जाते हैं और आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ की भभूति हवन कुंड से उनकी लेकर के लगा लेते हैं और माता श्री जो पूजा करती हैं वो दे देती हैं, तो आज भी उनके जो मानसिक रोग जो भी होते हैं वो दूर होने होते हैं, ऐसा लोगों का अटूट विश्वास है। और विश्वास ही सब कुछ होता है, जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ, वहीं फलदायक है। इस प्रकार से जो है हमारे संत जी वो है महान है और महान क्षेत्र के तमाम लोग जनता के यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। और हालांकि एक उनको माया से बहुत दूर थे, वो कोई व्यक्ति बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े उनको मान लो क्या दान दक्षिणा देने के लिए कहा, उन्होंने मना कर लिया, अरे नाराज़ हो जा कर माया से, माया मेरे पास माया लाए, ले जाओ अपनी माया, यहाँ यहाँ मत माया मुझे दिखाओ। इस प्रकार से मतलब माया से उनको बहुत दूर हो चुके थे वो।
उन्हें कोई माया से ममत्व नहीं था। और इस प्रकार से जब जो संत इस प्रकार से हो वही महान संत कहलाता है, वही पूजनीय होता है, वही भगवान की तरह पूजा होती है, वो इसी को संत कहते हैं। चमत्कार भी है, हम कुछ पूछ रहे हैं। हाँ भाई साहब, हम आप बताते हैं, आपको चमत्कार भी बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक हवाई जहाज़ जो है दिल्ली से आ रहा था यहाँ खजुराहो के लिए, तो उसको जहाज़ जब यहाँ से कभी 8-10 किलोमीटर दूर खजुराहो से था, तो वो जहाज़ अपने आप वो हिलने डुलने लगा। उसका पायलट जो था वो घबराने की स्थिति में था, तो उसने वो कभी एक दो बार वो ध्यान हो गया, दर्शन कर गया था, तो उसने बाबा जी को, झाड़ू बाबा को याद किया, और वहाँ से वो जहाज़ का बैलेंस जो बिगड़ा था वो सही हुआ। और धीरे 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 जो है बाबा जी, मतलब वो उन्हें बयान करे कि मेरे सामने कोई संत महात्मा जा रहे थे, उन झाड़ू को हरी झंडी देते जा रहे थे, तो जा करके जब मेरा जहाज़ उतारा तब तक मुझे हमको उनकी आगे आगे प्रतिमा, उनकी छाया दिखती रही। तब हमने वहाँ हवाई अड्डे पर चर्चा की, भैया ये कौन सी चमत्कार था जी, कि हाँ एक छाया झाड़ू लिए हुए हमारे जहाज़ की आगे आगे आई और जहाज़ हमारा सकुशल उतर गया। तो हमको लगा ये कौन से लोगों ने बताया, वो झाड़ू बाबा है भैया खजुराहो में मतंगेश्वर मंदिर के पास है, आप जाइए उनके दर्शन करिए, उन्होंने आपको ये बताया जहाज़, नहीं तो कितने लोगों की मृत्यु हो जाती, क्या हो जाता। तो फिर दोनों वहाँ के पायलट जो थे उस पर वो यहाँ आए, उनके दर्शन साक्षात दर्शन करे उनने, और उनसे विनय करी, और उन्होंने स्वयं अपने आप कहा क्यों ठीक जहाज से उतर गए आपका। तो हमें बहुत विश्वास हुआ कि साहब उन्हें स्वयं हमारी जहाज़ की बिगड़ने की स्थिति जानी और हमसे सचेत करो कि हाँ हमारा जहाज साफ कुशल पूरा हमारा उतर गया है। बोले ठीक है ना, यहाँ तो कोई कभी नहीं घटना घटेगी यहाँ। तब फिर ये लोग और जनता में इनका प्रचार प्रसार हुआ, इतना प्रचार प्रसार हुआ कि जनता अब तो तमाम लोग आने जाने लगे हैं। ऐसा लोग जो है बड़ी अटूट घटना ये बताइए, यहाँ सब लोग यहाँ की जनता जानती है, और यहाँ के जिन लोगों ने ये घटना जब सुनी तो पूरा हवाई अड्डा के लोग और मतलब जो दिल्ली से लोग आए, जब जिस चर्चा सुनी, क्योंकि जो वहाँ उसमें जो सवार थे वो दिल्ली के ही थे, यहाँ विजिट करने के लिए आए थे, वो उनने इस झाड़ू बाबा के संबंध में जाना, तो भैया वो सब यहाँ दर्शन करने के लिए आए। इस प्रकार से हमारे झाड़ू बाबा ने बहुत कुछ ऐसे चमत्कार दिखाई, ये हमारी जनता यहाँ जो जानती है, पूरे हवाई अड्डा के लोग आज खूब जानते हैं, और दर्शन करने के लिए वो प्रसन्नता के कारण आ रही है। देखिए जी रही यहाँ की महानता, देखिए ऐसे ऐसे संत साधु महात्मा भारत में पड़े हुए हैं, इनकी आस्था देखने लायक बनती है। देखिए आप कहानी सुन ली आपने, ऐसे कई चमत्कार यहाँ पे मौजूद हैं, आस्था का केंद्र ऐसे नहीं बनता है, पूरा खजुराहो नगरी इनके गुणगान गाता है, देख सकते हैं आप। किसी से भी पूछिए यही बखान करते हैं झाड़ू बाबा के, बड़ा फेमस स्थान है। अगर आप मतंगेश्वर महादेव मंदिर आते हैं तो बाबा के दर्शन जरूर करिए, बाबा के नाम से। देखिए आप बगल में, देखिए आप कितनी बढ़िया कुटी बनी हुई है, आइए दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी को शेयर जरूर करना, बुंदेलखंड नहीं पूरे भारत के कोनिया कोने में ये अपनी आवाज़ बाबा के दर्शन जरूर करें।